हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है इंडिया के बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट से, यानी कि कश्मीर से। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी रोगन जोश। तो दोस्तों, आज मैं इसको चिकन से बनाऊंगी। ये चिकन रोगन जोश है जिसे मैंने ऑथेंटिक कश्मीरी पंडित स्टाइल में बनाया है। तो इसमें ना ही मैंने प्याज का यूज़ किया है, ना ही मैंने लहसुन का यूज़ किया, ना ही मैंने टमाटर का यूज़ किया है। तो दोस्तों, रोगन जोश का अर्थ पर्शियन वर्ड से लिया गया है। रोगन का मतलब होता है घी या ऑयल या फिर कोई फैट जो मीट से सेपरेट हुआ है, और जोश का मतलब होता है स्ट्यू। तो रोगन जोश यानी कि फैट में बना हुआ स्ट्यू। तो आइए इस रोगन जोश को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तड़के के लिए कुछ मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, शाही जीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची 1, 2 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते। अब हम अपने रोगन जोश के लिए मसाले का पेस्ट रेडी करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया 150 ml दही। दही ज़्यादा खट्टी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसमें मैं डालूँगी सौंफ का पाउडर 1 टेबल स्पून। सौंफ का पाउडर ज़्यादा डालना है। सौंठ का पाउडर यानी ड्राइड जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, इसे ज़्यादा ना डालें वरना कड़वा हो जाएगा। और 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। और हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून जितनी। और इन सभी मसालों को हम मिलाकर अच्छे से पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो दोस्तों, वैसे रोगन जोश में मसाले ड्राई ही डाले जाते हैं, लेकिन मैं पेस्ट बना ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार हम हैंडल नहीं कर पाते और मसाले जल जाते हैं। तो हमारा ये पेस्ट रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हमारे चिकन को पकाने के लिए। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल लिया। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम हमारे सारे मसाले डाल देंगे जो हमने पहले लिए थे। और इलायची को मैंने थोड़ा सा कुट लिया है ताकि अच्छे से फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो। मसाले जब हमारे अच्छे से भुन जाए, यानी कि जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाए, तब हम इसमें डालेंगे हमारे चिकन। तो चिकन मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, यानी 1/2 किलो चिकन है ये। और चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें से मॉइस्चर रिलीज होकर और वो मॉइस्चर इवेपोरेट ना हो जाए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और इसमें मॉइस्चर अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुआ है, थोड़े टाइम लगेगा। इसलिए मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। नमक मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल दें। और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में चलाते रहे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर काफ़ी सारा रिलीज़ हो गया है। तो हमें इस पूरे मॉइस्चर को सुखा लेना है, यानी पकाते हुए इस मॉइस्चर को इवेपोरेट कर लेना है, लेकिन बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस स्टेज में हमारे मॉइस्चर काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं मॉइस्चर पूरा चला गया है, सिर्फ ऑयल दिख रहा है। तो इस स्टेज में आप चाहे तो 2 कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं और फ्राई करना होगा आपको इसी तरह से, लेकिन मैं इसे ऑथेंटिक वे में बना रही हूँ तो मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। अब हम इसमें हमारे मसाले का पेस्ट डाल देंगे। और इस वक्त आपको फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है क्योंकि हम दही नहीं तो फट जाएगी, और इसे हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो दही फट जाएगी। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखें और बिल्कुल लगातार चलाते रहें, इसे बिल्कुल भी बीच में ना रोकें। हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, ये बबल ना होने लगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैं चला रही हूँ और थोड़ा थोड़ा ये उबाल आने लगा है, यानी कि एक उबाल आ चुका है इसमें। तो इस स्टेज में मैं पानी डाल दूँगी। मैंने यहाँ 150 ml पानी का यूज़ किया है। कश्मीरी रोगन जोश वैसे भी ज़्यादा गाढ़ा या ग्रेवी वाला नहीं होता है, इसलिए पानी आप इसमें अच्छे क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। अब हम ढककर इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे जब तक कि चिकन हमारी गल नहीं जाती। तो दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा ढक्कन खोलकर चेक कर लूँगी और थोड़ा सा मैं इसे चला दूँगी। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा पानी आपको दिख रहा है अभी, लेकिन ये बाद में सही हो जाएगा। फिर ढककर इसे पकने देंगे। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, चिकन हमारा गल चुका है बहुत हद तक। और अगर बीच में आपको पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप बीच में थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम चिकन को हम टेम्पर करेंगे घी से। तो मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी ले लिया, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। आप घी 2 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, मैंने थोड़ा
कम लिया है क्योंकि ऑयल मैंने ज़्यादा यूज़ कर लिया था। अब घी गर्म होते ही हमें इसमें डालना है हींग। हींग हम डालेंगे 2 चुटकी या फिर 1/2 टीस्पून जितना। तो मैं हींग डाल चुकी हूँ पहले ही, थोड़ा सा कम था तो थोड़ा सा मैं हींग डाल दे रही हूँ। और अच्छे से जब तड़का लग जाए तो अब चिकन में हम ये तड़का डाल देंगे हींग और घी वाला, और इसे थोड़ा सा हम चला देंगे मिक्स करके। आप इसे ढक कर 30 सेकेंड के लिए इसी तरह लो फ्लेम पे पकने दें ताकि फ्लेवर अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। 30 सेकेंड के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर दें। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा चिकन रोगन जोश रेडी हुआ है। ग्रेवी इसकी अभी पतली लग रही है लेकिन 5 मिनट बाद आप देखेंगे ग्रेवी में बहुत चेंज आएगा। तो दोस्तों 5 मिनट मैंने ऐसे ढक के रखा था, 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है। आप देख सकते हैं रोगन जोश हमारा कितना टेस्टी लग रहा है और रोगन यानी कि इसका जो फैट है पूरा ऊपर की तरफ आ गया है जो इसे बहुत अच्छा लुक दे रहा है। तो हमारी ये रोगन जोश बनकर रेडी है। आप इससे सर्व कर सकते हैं नान, चावल या रोटी किसी के भी साथ। मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अभी हमारी जो इसकी ग्रेवी है और रोगन है ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।